सु दुस्तेज, सु का अर्थ है अतिशय त्यक्तुम अशक्य, त्याग करना कठिन है। वास्तव में भगवान तो ऐसे नहीं हैं कि जो केवल बंधु बांधव स्नेह में पड़े हैं, परंतु श्री गोपियों का जो वाम भाव है भगवान के प्रति कभी कभी उदित होता है, मान उत्पन्न होता है, तो इस तरह से भगवान पर आक्षेप करते हैं। स्नेहानु बंधु बंधु न मुले रपि सुदुस्त, मुनि के लिए भी स्नेह का अनुबंध बंधन, बंधन पर बंधन, ये छोड़ना कठिन। आज के युग में मुनि किनको माना जाएगा? वैसे तो बहुत प्रकार के मुनि हैं, लेकिन वास्तविक मुनि तो भगवान कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। लेकिन भक्त लोग भी अपने परिवार से कड़ा बंधन रखते हैं संबंध। कुछ तो यह बात है कि किसी किसी के परिवार में भक्त हैं, तो भाई भक्त हैं तो भक्त से संबंध रखना है तो उचित ही है, ये भगवान से ही संबंध है, लेकिन औपाधिक संबंध है। यदि भगवान के भक्त से संबंध है तो कहीं भी किसी परिवार का भक्त हो, किसी गांव का हो, कहीं भी हो, उससे संबंध रखे तो माना जाएगा कि ये कृष्ण के साथ संबंध है, क्योंकि भक्त के साथ संबंध। लेकिन अपने परिवार के साथ संबंध, अपने संबंधी देह के संबंधियों से संबंध रखना, ये देखा जाता है आज के युग में। मुनियों को भी देखा जाता है कि बंधु स्नेह में फंसे हैं। कई कई लोग तो ऐसे फंसते हैं कि कहीं प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, भक्तों का समाज हो, लेकिन बंधु समाज नहीं रहते हैं। बंधु का मतलब देह के संबंधी का विवाह है और कोई उत्सव है तो उसमें भाग ले लेते हैं, लेकिन केवल भक्तों का संबंध जहाँ समाज है तो उसमें भी कम भाग लेते हैं। 7 दिन हो रहा है भागवत, 1 दिन आ गए नेवता पूजा पुजाने के लिए, चलो घूम आएंगे, नहीं तो लोग बड़ा बुरा कहेंगे। कई लोग नेवता पुराने आ जाते हैं, 1 दिन एक कथा 7 दिन की हो रही है। खैर वो भी नहीं आने की अपेक्षा अच्छा है, नेवता पुराना चाहिए। मैं इतना बड़ा आक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन अब मुनि कौन माना जाए? मुनि तो भगवान के भक्त हैं। मुनि का अर्थ होता है जो मौन रहते हैं, और मौन का अर्थ है कि यथार्थ भाषण करते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, गाते हैं, और बाकी दुनियादारी के विषय में चुप रहते हैं, उनको मुनि कहते हैं। मौन का यही अर्थ है, भगवान के बारे में बोलना और नॉन सेंस ना बोलना, उससे फालतू बातें ना बोलना, उसको मुनि कहते हैं। एकदम चुप रहने वाले को मुनि नहीं कहते। एकदम चुप रहने वाले तो पशु होते हैं, सांप होता है, तो पशुओं को मुनि थोड़े कहते हैं। ये कभी कभी बोलते हैं बाय बाय बस, इनको मुनि नहीं कहा जाता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर मुनि का यही अर्थ लिया जाए कि मौन है, तो ये भी तो मौन रहते हैं ना, ये भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अन्य स्वर्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडम्बनम पुंभी स्त्रीसु कृता जदवत सुमनस व्यसठ करे अन्यसु बंधु व्यतिरिक्तेषु, अपने बंधुओं के अतिरिक्त अन्य लोगों से जो मैत्री की जाती है वो अर्थकृत मैत्री होती है। श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं न तो तात्विकी, जो अपने बंधुओं के अलावा प्रेम किया जाता है दूसरे से
तो वास्तविक प्रेम नहीं होता है, वास्तविक स्नेह नहीं होता है, अर्थ कृता है, मतलब कृता है, इसका यह अर्थ है। प्रयोजन कोई होता है और प्रयोजन जब तक रहता है तब तक तो प्रेम देखा जाता है, स्नेह देखा जाता है, और प्रयोजन पूरा हो गया तब वह प्रेम नहीं रह जाता है। अर्थ कृता मैत्री, जब तक प्रयोजन है तब तक प्रेम दिखाते हैं लोग, और जब तक प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है तब तक प्रेम दिखाते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं। अर्थ विडम्बनम, जावद अर्थ विडम्बनम, विडम्बनम का अर्थ होता है नाटक, झूठा दिखावा। अर्थ विडम्बनम का अर्थ है कि अर्थ तक, जावत अर्थ, जब तक प्रयोजन है पूरा भी नहीं हुआ है तब तक प्रेम का नाटक होता है, जो अर्थ पूरा हो गया तब वो नाटक भी नहीं रह जाता है। प्रेम कहाँ से रहेगा, प्रेम का नाटक भी नहीं रह जाता है, वो भी निभावें। ये जावत अर्थ प्रयोग, अर्थ विडम्बनम, प्रयोजन मतलब पूरा हो गया तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो भेंट होने पर कभी ये भी पूछा जा, कोई पूछ सकता है कौन है, क्या कहाँ के हैं। अरे बाप, एक दिन ऐसा समय होता है कि व्यक्ति कितना प्रेम करता है, लगा रहता है साथ में, खिलाना पिलाना, प्रेम से बातें करना, हंसना, और जब मतलब पूरा हो गया तो पहचानते नहीं। श्री गोपीजन सांसारिक जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाल रहे। भगवान मथुरा चले गए हैं गोपीजनों को छोड़ करके, तो वे विरह दुख में हैं लेकिन संसार की बातें कर रहे हैं कि संसार में यही है। वास्तव में न कृष्ण में यह भाव है न गोपियों में यह भाव है। गोपियों का सच्चा अनुराग है भगवान में और भगवान का अखंड सच्चा प्रेम है गोपियों से, किसी भी युग में जाएगा नहीं, ये अचल विहार है, नित्य विहार, अटल विहार। वृंदावन में एक अटल्ला चुंगी है, उसको अटल वन कहते हैं, अटल विहार। चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे जगत व्यवहार, ये सारा संसार एक दिन मिट जाएगा, प्रलय हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण का जो संबंध है अपने ब्रजवासियों के साथ, विशेषकर से गोपियों के साथ, ये कभी टूटेगा नहीं, अनंत अनंत समय तक चलेगा, इसको अटल विहार कहते हैं। लेकिन और जो देखा जाता है मैत्री मित्रता, वो अटल विहार है, टल जाएगा, तुरंत खत्म हो जाता है। जब तक अपना प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है तब तक चलता है संबंध, और इसके बाद समाप्त हो जाता है। संसार में देखा जाता है जब तक अपना प्रयोजन, कोई खास काम पूरा नहीं हुआ है तब तक तो खूब प्रेम, खूब प्रेम, परंतु वो प्रेम तात्विक नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है, केवल प्रेम का प्रदर्शन होता है। अर्थ मैत्री होती है, अर्थ मैत्री का अर्थ है, मान लीजिए आप किसी दुकानदार के दुकान में गए तो बेंच सजाए रहता है, कुर्सी लगाए रहता है, गिरिराज परिक्रमा में देखे हैं ना कितनी कुर्सियां लगी रहती हैं, यात्रियों के बैठने के लिए नहीं, ग्राहक के बैठने के लिए होती है कुर्सी है ना। ऐसा नहीं है कि कोई परिक्रमा कर रहा है तो उसके सुख के लिए थोड़ा कुर्सी रखा है, ऐसे तो ब्रज है वास्तव में, वहां तो कुछ भाव है, वहां का उदाहरण देना ठीक नहीं है, लेकिन
देखा जाता है किसी दुकानदार के यहाँ कोई ऐसे ही आकर के बैठे बाजार में थका हो और आकर के बैठे तो तुरंत कहते नहीं नहीं आप जाइए यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जब दुकान में बैठेंगे तो जानते हैं कि ये आकर के कुछ सौदा लेगा उससे कुछ फायदा होगा अर्थ अपना पूरा होगा तो उसको कहते हैं चाय मंगाने। अरे बाप रे। और ज़्यादातर दुकान जानते हैं वैष्णवों को इस्कान के वैष्णवों को कि चाय नहीं पीते हैं तो चाय ही पूछते हैं चाय मंगाए नहीं नहीं हम चाय नहीं पीते जब जूस मंगाए तो सब अर्थ कृता मैत्री है कुछ प्रयोजन है और प्रयोजन पूरा हो गया तब सीट खाली कीजिए जाइए। ऐसा नहीं कि बैठ करके दो चार घंटा समाचार सुनाइए तो उसका वो तो बोर होगा कि कहाँ से आ गया वो हटाना चाहेगा। तो उसका जो प्रेम है किसी ग्राहक से तो औपाधिक प्रेम है। इससे हमको 10-20 रुपया 100 या 1000 फायदा होगा इसलिए वो दिखा रहा है मैत्री। मैत्री नहीं कर रहा है मैत्री का नाटक कर रहा है अर्थ विनम्बना मैत्री अर्थ विडम्बनम या विडम्बनाम एक पाठ यह भी है नाटक हो रहा है। इसमें दो दृष्टांत दे रहे हैं श्री गोपीजन। पुंभी स्त्रीसु कृता जदवत सुमनस्वी व षट पदे। पुंभी पुरुषों के द्वारा स्त्रीसु स्त्रियों के प्रति जैसी मैत्री की जाती है तो वो सब अर्थकृता मैत्री है स्वार्थकृता मैत्री। देखा जाता है एक पुरुष लोग स्त्रियों से प्रेम करते हैं परंतु पहले से सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं वो सब अर्थकृता मैत्री है। अर्थ पूरा हो जाता है तो फिर मैत्री भी चली जाती है मैत्री का नाटक भी नहीं रहता है। क्या यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता था कि स्त्री भी ही पुंसी बहुवचन में क्या कहेंगे पुंसिशु उदाहरण दे रहे हैं जैसे पुरुषों का प्रेम स्त्रियों में देखा जाता है क्षणिक मैत्री होती है। किसी स्त्री से कुछ काल तक संबंध रखते हैं और किसी और स्त्री से भी रखते हैं पुरुष का प्रेम स्थिर नहीं रहता। स्त्री के लिए तो एक बंधन है कि भाई उसे अपने पति के अतिरिक्त किसी संबंध नहीं रखना चाहिए लेकिन प्रायः देखा जाता है कि पुरुष फ्री है उस पर कोई बंधन नहीं है। इन लोग की बात कह रहा हूं सुना जाता है कि ये स्त्री रखा है तो कोई दासी रख लिया तो कोई कोई वेश्यागमन कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। इसीलिए यही उदाहरण ठीक है जिस पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के प्रति की गई मित्रता ये केवल स्वार्थ परा होती है स्नेह नहीं होता है स्नेह का केवल नाटक होता है और वो भी नाटक कब तक जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है तब। ये संसार का उदाहरण है इस उदाहरण गोपियों के प्रति नहीं समझ लेना चाहिए। गोपियों का प्रेम केवल एक परब्रह्म भगवान कृष्ण से एक से है। स्त्रियां बहुत हैं गोपियां लेकिन सबका प्रेम केवल एक पुरुष से है भगवान से। परंतु इस संसार में ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जिनका ऐसे पुरुष होते हैं जो जिनका बहुत स्त्रियों से प्रेम का नाटक है और स्त्रियां भी ऐसी कुछ होती हैं जिनका बहुत पुरुषों से संबंध होता है। गोपी जनों का प्रेम बिल्कुल शुद्ध है और अपने प्रयोजन के लिए नहीं है किसी आत्मसुख के लिए नहीं है
वास्तव में प्रियतम श्याम सुंदर को श्री कृष्ण को सुख देने का ही भाव है। इस संसार में देखा जाता है कोई स्त्री किसी से संबंध रखती है तो अपने सुख के फेरे में वह है, और पुरुष भी अपने सुख के फेरे में है, वो अपने को सुखी करना चाहता है, स्त्री अपने को सुखी करना चाहती है, ये इस संसार में देखा गया है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान से जो संबंध होता है तो प्रत्येक व्यक्ति, वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो श्री कृष्ण को सुखी करना चाहता है, अपने सुख की कभी चिंता नहीं होती है। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अपने सुख का कभी ध्यान नहीं रहता है, कृष्ण को सुखी होना चाहिए, यही सहज स्वभाव है वहाँ का। यहाँ तक कि श्री गोपियाँ अपना श्रृंगार करती हैं तो अपने सुख के लिए नहीं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण देख करके सुखी होंगे इसलिए अपने देह का श्रृंगार करते थे। कभी कभी भगवान से जब भेंट होती थी कुंज में जमुना के किनारे, तो भगवान कहते थे तुमने अपना श्रृंगार नहीं किया, हमें बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार। तो कृष्ण को अच्छा लगे, कृष्ण के सुख के लिए वे अपना श्रृंगार करते थे, अपने देह को सजाने के उद्देश्य से, आकर्षित बनाने के उद्देश्य से नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। इसको तत्सुख सुखित्व कहते हैं, कृष्ण का सुख ही उनका तत्पर था। कोई भी अब लीला देखें, लीला सुनते हैं, भागवत में पढ़ेंगे, कुछ भी गोपी व्याकुल है जैसे ऐसे कह रही है कि मैं कृष्ण के बिना दुखी हूँ, ये दुखी हूँ, तो अपने लिए दुखी नहीं है। कृष्ण कैसे होंगे, कैसे खाते होंगे, वे ये कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो उनको सुख देने के लिए व्याकुल होती है। पर ऐसा कहा जाता है कि अपने सुख की बात कह रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दृष्टांत दिया है, जैसे किसी का कोई मित्र हो और उसके घर पर आ जाए मित्र और भूखा है, लेकिन कुछ देर से आया है रात में, तो उससे पूछे एक गृहस्थ मित्र, पूछे कि आप प्रसाद खा लीजिए, आप जरूर खाएंगे, नहीं नहीं भूख नहीं है, इसलिए कहता है कि इसको दुख, इसको तकलीफ होगी बनाने में, अरे नहीं नहीं भूख नहीं है। लेकिन उसके साथ सच्चा प्रेम करने वाला मित्र कहता है, अपने को भूखा बताता है, अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है और भोजन बनाओ, तो भोजन बनाएगा तो मित्र का भी बनाएगा, लेकिन अपना भूख बता करके हमें बहुत भूख लगी है, अवश्य भोजन बनना चाहिए और ये चीज़ बनना चाहिए, अच्छा से भोजन, आज मुझे बहुत अच्छा खाने की इच्छा है, लेकिन वास्तव में उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन अपने मित्र को वो सुखी करना चाहता है इसलिए अपने भूख की बात कहता है। तो श्री गोपी जनों का ऐसा ही स्वभाव है, वे अपने दुख को निवेदन करती हैं कि हमें ये दुख है, हमें ये दुख है, लेकिन वास्तव में चाहती हैं श्री कृष्ण का सुख। यहाँ उदाहरण दे रही हैं, मान कर की हैं तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। कुंभी श्री सुकृता जदवत सुमनस व्योषट पद है, जैसे फूलों के प्रति भंवरा का प्रेम होता है, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। वास्तव में भंवरे का फूलों से कोई प्रेम नहीं होता है, वो फूल के मकरंद को पाना चाहता है, तो जब तक पराग मकरंद नहीं मिला है तब तक तो खूब मैत्री की विडंबना है, जो फूल पर लुटता है, सूंघता है, बैठता है, फूल से उसको कोई मतलब नहीं है, फूल में जो पराग है मकरंद है उसको लेना चाहता है, ले लिया तो फूल में सुगंध रह जाती है, सौंदर्य रह जाता है लेकिन उड़ जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ करके चला जाता है, अपनी चंचलता के कारण, कोई दुर्भावना के कारण नहीं, लेकिन उदाहरण देना है इसलिए गोपियाँ दे रही हैं। श्री कृष्ण पर इसका आरोप इसलिए कर रही हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, भगवान तो वास्तव में पूर्ण जितेंद्रिय हैं,
उनमें काम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये समझाने के लिए कह रहे हैं। अब श्री कृष्ण हम लोगों के साथ रहते थे, गोपियों के साथ, जैसे भंवरा फूलों से प्रेम करता है, ऐसे प्रेम के उस समय तो चरण पर भी गिरते थे, कहते थे मुझे देवताओं जैसी लंबी आयु मिले, मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाता रहूं दिन रात, फिर भी नहीं चुका पाऊंगा। तब तक अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर भाग गए, अब पूरा ऋण चुका दिए, देवताओं की आयु से भी मैं, ब्रह्मा की आयु भी, आयु तक यदि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं, नहीं चुका सकता। वास्तव में भगवान सत्य बोल रहे थे, और उन्हें यह भी कहा है कि तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन मैं सब कुछ नहीं छोड़ा, और तुम लोग हजारों हजार हो, सबका प्रेम एक मुझ में है, लेकिन हमारा संबंध तो अनेक भक्तों से है, मेरा तो चित्त अनेक जगह जा रहा है, अनेक भक्तों को देखना है, माता पिता से प्रेम है, और मथुरा गए, द्वारका गए तो 16,000 स्त्रियाँ, तो दिमाग, कृष्ण का दिमाग डाइवर्टेड है कि नहीं, इनका आनंद प्रेम हो ही नहीं सकता है, लेकिन धन्य हैं गोपियाँ, हजारों हजार गोपियाँ हैं, उनका एक प्रियतम वंशी बाधक श्री कृष्ण। तो भगवान में सब दोष नहीं है, लेकिन ऐसे मान की प्रेम की भाषा है बोल रहे हैं। अब तक ब्रज में थे, अब तक इस फूल पर बैठते थे, इससे संपर्क उसे संपर्क, अब चले गए मथुरा के गार्डन में, मथुरा चले गए तो वहाँ तो एक से एक सुंदरी मिलेंगी, एक से एक सुंदरी स्त्रियाँ, और कृष्ण ऐसे नहीं है कि बात नहीं करेंगे, बहुत स्त्री लंपट हैं, ऐसे बोलती हूँ, बिना स्त्रियों से संपर्क किए रहेंगे नहीं। और तो और सखी देखो, मथुरा में एक तीन जगह से टेढ़ी स्त्री थी, गुरु जब कुब्जा को अपना लिए तो किसको नहीं अपनाएंगे, इनको खबर मिली होगी कि तीन जगह से टेढ़ी स्त्री के साथ उनका संपर्क, तो लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गए थे, भगवान से किसी का संबंध नहीं था, वास्तव में रास्ता में चल रहे थे, उसके उपकार से चंदन लेने के भार से दब गए तो उसको सीधा कर दिए, इसके बाद गए नहीं, एक बार उसके घर जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, तो गए भी होंगे तो उद्धव जी के साथ गए थे, और भगवान केवल उसके घर गए, उसका स्वागत स्वीकार किए। इसी पर बड़े व्यक्ति का हल्ला बहुत बड़ा होता है, चारों ओर हल्ला हुआ कि कुब्जा को रखे, एक दिन एक घंटे के लिए घर गए थे, उसके यहाँ कुछ खाए पिए चले आए, अपने मित्र के साथ गए थे, तो ब्रज में हम हल्ला है कि वहाँ कुब्जा नाम की एक स्त्री को रखे हैं तो गोपियाँ कहती थी वो क्या कहा जाए, राधा जैसी सुंदरी, इसको छोड़ करके और कुब्जा के साथ रमते हैं। तो एक गोपी कहती है अच्छा हुआ सखी, बलुए कुब्जा भलो कियो, उसने अच्छा किया, नहीं तो ये योग के लिए पत्र भेजे हैं कि योग करो, ध्यान करो, समाधि में रहो, तो कम से कम कुब्जा तो प्रमाण है कि मथुरा में ये क्या कर रहे हैं, अपने आप भोग में पड़े हुए हैं और हमको योग सिखा रहे हैं, देख धन्य है कुब्जा जिसने कृष्ण का स्वभाव प्रकट कर दिया। सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण स्त्री लंपट हैं, ये हैं वो हैं, तब तो रास्ता चलती हुई उस कुबरी को, कुबरी से बात किए बात किए, वो नहीं देख रही थी, ये देख लिए और जाकर के आगे कहते हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँ घर है, और ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो,
इसमें आश्चर्य ये तो इतना ही नहीं, अभी वो कुछ कहने नहीं पाई तब तक कहते हैं क्या तुम ये अंगराग मुझे दे सकती हो, यदि तुम दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा। तो अपने से बात किए थे। वास्तव में भगवान किसी के लिए पराया नहीं है, कोई भी जीव उनका है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान ने दया दृष्टि से देखा था कुब्जा पर और उसे सीधा किया। परंतु कभी कभी लोक में ऐसा हल्ला होता है किसी बात, अगर एक गांव में पक्का कोई चोर निकल जाए तो लोग कहे पूरा गांव चोर है, कहेंगे ऐसा। दो चार साधु हो जाए तो पूरा गांव ही साधु है। हमारे गांव के विषय में हल्ला किए थे एक बार, पूरा गुड़रा साधु है, लेकिन क्या चोरी करने इंग्लैंड के लोग जाते हैं वहाँ? दो चार दस लोग तिलक करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूरा गांव भक्ति कर रहा है। एक स्त्री को उन्होंने सीधा किया, स्वाभाविक प्रेम से बोलेंगे, हल्ला हुआ कि मथुरा की स्त्रियों में आसक्त है। मथुरा में भगवान का विवाह भी नहीं हुआ, विवाह द्वारका में होगा, लेकिन गोपियां आपस में बात करती थी। तो जैसे भंवरों का फूलों से कोई प्रेम नहीं होता है, केवल प्रेम का नाटक होता है, कब तक? जब तक वे पराग पी नहीं लेते, और पराग पिए मधु उसमें से लिए और उड़ जाते हैं। इसी तरह से अन्य स्वार्थ कृता मैत्री, उसी की व्याख्या है। जो दूसरों से प्रेम किया जाता है वो प्रेम प्रेम नहीं होता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है, केवल प्रेम का नाटक होता है। अब लोक में कौन कौन लोग किस प्रकार प्रेम नहीं करते हैं और मतलब का प्रेम करते हैं, उसके 8 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इसी बात को कहने के लिए। निःस्वं त्यजन्ति गणिका, गणिका वेश्या, वेश्या निःस्वं त्यजन्ति, वेश्याएं धनहीन व्यक्ति को छोड़ देती है। जब उसके पास धन रहता है वो धन देता है तो अपना देह दे करके भी वे प्रेम दिखाती है, अपना देह समर्पित कर देती है। और जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तब त्यजंती, उसे समान नहीं रखती। लोक का उदाहरण है, भगवान कृष्ण के लिए इसको हुबहू नहीं बैठाया जा सकता है, अन्यथा वे गणिका की बात नहीं कहती। स्त्री समाज पर पहले कुठाराघात कर रहे, वो उसका निरूपण कर रहे हैं, ऐसे लोक में देखा जाता है। लेकिन धन नहीं रहा, गरीब हो गया, तो गणिका त्यजंती। वेश्या को गणिका क्यों कहते हैं? गणिका का ये अर्थ है तो कई पुरुषों से आशा रखती है, कोई उसके घर से गुजरता है, बाजार से गुजरता है तो गिनती रहती है, अब ये पुरुष मेरे पास आएगा वो भी चला जाता है, ये आएगा वो भी चला जाता है, ये आएगा तो कोई आ जाता है, तो गिनती रहती है, ये गया ये गया, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो इसलिए उसको गणिका कहते हैं, गिनती करने वाली। वेश्या वेश्याएँ छोड़ देती हैं। अकल्पम निरपतिम प्रजा, और प्रजा पालन में असमर्थ राजा को छोड़ देती, प्रजा छोड़ देती। एक बार प्रजा जिसको वोट दे करके जिताती है, भेजती है पटना या दिल्ली,
तो उस जनता सोचती है कि हमारा पालन करेगा खूब अच्छा से, लेकिन देखती है कि ये पालन नहीं कर रहा है तो उसको हरा करके उसके शत्रु को विजय दे देते, वोट दे देते। देखते हैं ना इस संसार में। और जब तक तो राजा रहा है, अपना मतलब साधना है, तब तक आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं, जय हो, नाना प्रकार का स्वागत, झंडा सजाना, झंडा लेकर के उसके साथ घूमना,